सोलन के माल रोड पर अनसेफ भवन में छात्रों का सरकारी स्कूल चल रहा है। स्कूल में जहां अध्यापक अपनी जान हथेली पर रखकर विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, वहीं छात्राएं भी डर के साए में पढ़ाई करती नजर आ रही हैं। लेकिन शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन है कि अब अपनी आंखें बंद कर किसी बड़े हादसे होने का इंतजार कर रहा है। दबी जुबान में अध्यापक और विद्यार्थी इसका विरोध कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जंजर होते उनके स्कूल के भवन को गिराकर नया भवन बनाया जाए, ताकि अध्यापक और विद्यार्थी बिना डर के भवन में प्रवेश कर सकें। छात्रों ने अपना डर जाहिर करते हुए बताया कि शिक्षा ग्रहण करते समय छतों से कई बार सीलिंग गिर चुकी है और छात्राएं कई बार घायल हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि बारिश के दौरान कई बार चूहे और सांप भी उनकी कक्षाओं में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है और हमेशा दहशत का माहौल बना रहता है। उन्होंने कहा कि उनका भवन बिल्कुल टूट चुका है और जर्जर हालत में है, इसीलिए उन्हें कहीं सुरक्षित भवन मिलना चाहिए ताकि वह अपनी शिक्षा बिना किसी डर के पूरी कर सकें। और यहाँ पे खिड़कियाँ सब टूटी हुई है और सारी यहाँ से बारिश का सारा पानी आता है, यहाँ पे सारा कीचड़ कीचड़ हो जाता है और यहाँ ऊपर फट्टे टूटे हुए हैं और यहाँ पे कभी कभार नीचे जाते हैं और चोट भी लग जाती है बच्चों को और यहाँ और फैन भी नहीं है। सर यहाँ पे ना शीशे टूटे हुए और यहाँ से ना पानी आता है ऊपर से अगर बारिश होती है बहुत तेज, और फैन भी सर चलता नहीं है और बहुत मतलब हीट आती है नीचे से। और सर स्कूल की प्रधानाचार्य अनीता कौशल ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने उनका भवन असुरक्षित घोषित कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी असुरक्षित भवन में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना कई बार अपने उच्च अधिकारियों को बता चुके हैं, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने कोई उचित कार्रवाई अमल में नहीं लाई है और न ही भवन के लिए कोई निर्देश दिए हैं, इसलिए वो मजबूरन असुरक्षित भवन में कक्षा चलाने को मजबूर हैं। ओल्ड जो बिल्डिंग डोनेट कर रखी है जो, वो उसी हालत में और उसकी रिपेयर भी नहीं हो सकती है। PWD एजेंसी द्वारा वो अनसेफ डिक्लेयर कर रखी है, लेकिन स्टाफ, लाइब्रेरी और प्रिंसिपल ऑफिस, दूसरा ऑफिस वो वही है। मतलब क्लासरूम्स कोई ऐसे बाकी रूम्स एक्स्ट्रा रूम्स है नहीं जहाँ पे जो है स्टाफ और लाइब्रेरी वगैरह शिफ्ट की जा सके, और इस बिल्डिंग को PWD द्वारा अनसेफ डिक्लेयर किया गया हुआ, ये 2014 में डिक्लेयर किया था इसको अनसेफ और उसके बाद विभाग को इन्फॉर्म कर रखा है, तो इसके ऊपर अभी विभाग द्वारा भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब जैसी ये बिल्डिंग है इसकी रिपेयर भी नहीं हो सकती, तो इसको तो डिसमेंटल हो तभी नए सिरे से बने, वही स्कूल के लिए फ़ायदा रहेगा।